ये गाइस अंदर पहुंच चुके हैं। ये है फूड हैंडलर एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे जाना है सबसे पहले। गाइस ये देखो, खून दे दिए गाइस। यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्सरे कराने के लिए। गाइस माल पैक हो गया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर रज्जाक ब्लॉग्स। गाइस आज मेरा है मेडिकल एग्जामिनेशन कुवैत में, तो वहाँ पे जा रहे हैं मेडिकल एग्जामिनेशन करने, फूड हैंडलर एग्जामिनेशन। तो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे यहाँ का कुवैत में मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है। ये जो एग्जामिनेशन है एवरी ईयर होता है हम लोग का, जो भी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो भी होटल इंडस्ट्री में है, फूड से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं, उन सबको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है एवरी ईयर, हर साल देना पड़ता है। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है गाइस, जो नए आने वाले हो आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ का एग्जामिनेशन, यहाँ का मेडिकल कैसा होता है। जुड़े रहिए लास्ट तक का, पूरा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगा। पूरा अंदर का वीडियो बनाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, दिखाएंगे क्या क्या एग्जामिनेशन हो रहा है, पार्ट बाय पार्ट सब कुछ दिखाएंगे। गाइस देखिए हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं जहां पे मेडिकल होने वाला है। ये जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये बिल्डिंग के पीछे साइड में है, ये जो है जहां पे कुवैत का मेडिकल सेंटर है। यहां पे गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए बहुत लोग ऑलरेडी खड़े हैं यहां पे मेडिकल के लिए। देखिए हम लोग फाइनली मेडिकल सेंटर पहुंच चुके हैं। ये देखिए आगे में, थोड़ा आगे चल के और दिखाते हैं वहां पे। ये देखिए सिक्योरिटी खड़ा है, वो सिक्योरिटी खड़ा है यहाँ पे, ये अपॉइंटमेंट देख के छोड़ेगा। तो अब निकलते हैं, अंदर जाते हैं अपॉइंटमेंट दिखा के। ये गाइस अंदर पहुँच चुके हैं। ये है फूड हैंडलर एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पे जाना है सबसे पहले। मेडिकल सेंटर ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, यहाँ पे हमको बैठा दिया है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अंदर में कुछ ऐसा है सीन, तो वहाँ पे जो है वहाँ से ही जाना पड़ेगा आगे में हम लोगों। अंदर आ चुके हैं, सबसे पहले होगा हमारा फिंगर टेस्ट, मतलब टेस्ट नहीं, हमारा हाथ देखेंगे। हाथ में कहीं पे कुछ कटा सटा नहीं है, नेल्स वेल्स क्लियर है, ये नहीं है, ये चेक होगा। तो अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ पे अंदर जाएंगे, डॉक्टर चेक करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। आगे क्या हो तो वो भी दिखाते हैं। ठीक है सर, आगे में लाइन देख रहे हैं, वहीं पर हम लोगों को जाना पड़ेगा फिंगर टेस्ट कराने के लिए, हाथ दिखाने के लिए। नीचे डाउन फ्लोर में सबसे पहले हमसे एक कैनेट में 10 KD लिया मेडिकल का चार्जेस जो है, किसी से 10 लेते हैं, किसी से 17 लेता, पता नहीं चलता क्या हिसाब से लेता है। तो हमसे 10 KD लिया, जो मेरा कंपनी पे करेगा, मेरा कंपनी हमको ऑलरेडी दे दिया कैनेट में। तो वो देने के बाद हमको यहाँ पे स्टैम्प विस्टैम्प मार के दे दिया मेरे पेपर में। ये देखिए आप लोगों को दिखा रहे, ये दे दिया। देने के बाद बोला कि ऊपर चले जाओ 12 नंबर रूम में। अभी फर्स्ट फ्लोर जा रहे 12 नंबर रूम में, वहाँ पर क्या होता है वो देखते हैं। यहाँ पे मेरा हुआ, पहले हमसे पैसा लिया कैनेट में 10 KD, उसके बाद मेरा हाथ चेक किया, बोला छोड़ जाओ आप, तुम ऊपर चले जाओ। तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर का सीन कुछ ऐसा है, पूरा आदमी लोग लाइन लगाया हुआ ब्लड टेस्ट कराने के लिए। ये ऊपर में सबसे पहले ब्लड टेस्ट होगा, ये देखिए 12 नंबर रूम में जाना है, वहाँ पर ब्लड टेस्ट होगा, पूरा लंबा लाइन है। अभी बैठना पड़ेगा, लाइन क्लियर होगा तो फिर हम लोग को लाइन आएगा, जाएंगे। लंबा लाइन है, अभी कितना टाइम लगेगा कोई गारंटी नहीं है। ऊपर का सीन कुछ ऐसा है, देख लो। 12 नंबर रूम, इसी में जाना है ब्लड टेस्ट कराने के लिए। अभी लंबा लाइन है, ये लाइन खत्म होगा तो हमारा लाइन आएगा। देखो गाइस ब्लड टेस्ट के यहाँ पे कुछ फॉर्म दिया है, ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा हमको, नहीं अंदर जाएंगे तो वो लोग ही फिलअप वगैरह करेगा। सिविल आईडी नंबर, नेशनलिटी वगैरह सब कुछ लिखेगा, उसके बाद ब्लड टेस्ट होगा। ये देखो खून दे दिए गाइस, खून का हो गया। अब जाना पड़ेगा एक्सरे रूम एक्सरे कराने के लिए, तो नीचे जा रहे हैं वापस से एक्सरे कराने के लिए। जुड़े रहिए, दिखाते हैं। यहाँ पे जाना पड़ेगा एक्सरे कराने के लिए, एक्सरे के यहाँ पे भी लाइन है।
नंबर था। गाइस एक्सरे भी हो गया है, अब आगे क्या होता है वो भी दिखाते हैं। ये देखो गाइस, चाय पानी पीने के लिए कप मिला है। मजाक कर रहे भाई, चाय पीने के लिए नहीं है ये और पानी पीने के लिए नहीं है ये कप। ये जो कप मिला है, अब है सबसे डिजास्टर मोमेंट। ये हमको अच्छा नहीं लगता, दिमाग खराब होता है हमको, क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पर करना ही पड़ेगा। अभी इसमें टॉयलेट देना पड़ेगा, हम लोग जो टॉयलेट करते हैं बाथरूम देना पड़ेगा, इसमें टूल देना पड़ेगा, इसमें जाके टॉयलेट में टॉयलेट करके ला के देना पड़ेगा। और सबसे एंटिक चीज़ और एक बताऊँ, 80-90% लोग घर से ही थोड़ा सा डब्बा में करके लेके आते हैं, इसमें रिटर्न इसमें वापस से इसमें डाल के जमा कर देते हैं। तो हम तो नहीं करके लेके आए, यहाँ से करेंगे। अभी जाके टॉयलेट थोड़ा सा करके ला के देना पड़ेगा, ये मेडिकल का हिस्सा है, देना ही पड़ेगा। अभी जाते हैं टॉयलेट करके इसमें ला के जमा करते हैं। देखो गाइस आगे में टॉयलेट है, वहाँ पे जाएंगे, टॉयलेट डब्बा में पैक करके लेके आएंगे अपना कीमती सा दामी सा टॉयलेट। गाइस माल पैक हो गया है, जा रहे जमा करने। जमा करके थोड़ा हाथ वाथ धो के आगे का बताते क्या होता है, ठीक है। ये देखिए गाइस आगे में जो काउंटर है, यहाँ पे टॉयलेट जमा करना है, तो जा रहे हैं जमा करने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट माल जमा कर दिए, टॉयलेट जमा कर दिए, थोड़ा हाथ वाथ धो ले उसके बाद आगे का बता रहे, ठीक है। देखो गाइस मेडिकल अपना सारा काम हो गया, बाहर निकल गए हैं, देख लो यही है मेडिकल। कुवैत में आप लोग जहाँ भी रहोगे मेडिकल करने के लिए यही आना पड़ेगा, सर्क एरिया में, कुवैत सिटी सर्क। यहाँ से आगे से इंट्रेंस है, यहाँ से आउट है, ठीक है। सो गाइस ऑलमोस्ट आप लोगों को पता चल गया होगा यहाँ का मेडिकल कैसा होता है, फिर भी आप लोगों को फिर से रिपीट कर देते हैं अंदर में क्या क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि अंदर का सब कुछ दिखा नहीं सके, जितना हो सके हम दिखाए फिर भी रिपीट कर देते क्या हुआ। सबसे पहले हम मेडिकल एग्ज़ाम देने के लिए आए, अपॉइंटमेंट लेके, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है मीटा पोर्टल से। मीटा पोर्टल एक साइट है, उसमें जाने के बाद उसमें लॉगिन करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर डिटेल्स में वीडियो चाहिए उसके लिए मैं अलग से अभी डिटेल में वीडियो बना देंगे, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद यहाँ पे आना पड़ता है टाइम ले, पूरा पेपर्स वगैरह लेके। आप जो भी कंपनी में काम करते हो अपने एचआर से पेपर्स, आपका एचआर पूरा रेडी करके दे देंगे आपको, ठीक है। आपका एचआर का काम है ये पूरा रेडी करके देना, पेपर्स पूरा लेके यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले अंदर जाना है, अंदर जाने के बाद 10 KD पैसा लगता है अंदर, वो भी केनेट में पे करना पड़ता है, कैश में नहीं दे सकते, कैश ऑनलाइन मतलब नहीं ले गए वो लोग, ओनली केनेट मतलब कि ATM कार्ड से पे करना है। 10 KD लगता है, किसी किसी का 17 KD भी लगता है, कभी 17 लगता है कभी 10 लगता है, पता नहीं क्या हिसाब से लेता है ये लोग के पास, सिस्टम में अपडेट रहता है। हमको इतना पता है लास्ट टाइम मेरा हुआ था 17 KD लगा था, तो हमको वैक्सीन भी दिया था, इस बार हमको वैक्सीन नहीं दिया, ओनली 10 KD हमसे लिया। तो मेरा क्या किया, वो अंदर जाने के बाद सबसे पहले पैसा लिया, पैसा लेने के बाद मेरा हाथ वगैरह चेक किया, फिंगर वगैरह चेक किया। तो हाँ गाइस को भी मेडिकल देने आओ अपना नेल्स वगैरह पूरा क्लीन रखो, नेल्स वगैरह काट के आओ अच्छे से, क्योंकि फूड हैंडलर हो तो अच्छे से काट के आओ। फिंगर वगैरह चेक किया, फिंगर वगैरह चेक करने के बाद वहाँ से डॉक्टर हमको भेज दिया ऊपर चले जाओ। ऊपर में गए, हमारा ब्लड लिया, ब्लड ले लिया, ब्लड लेने के बाद फिर से नीचे आए, नीचे आने के बाद एक्सरे हुआ, एक्सरे हो गया, एक्सरे हो जाने के बाद डब्बा दे दिया, डब्बा में टॉयलेट लेके जाने के लिए बोला, डब्बा लिया, डब्बा लेके टॉयलेट गए, टॉयलेट लेके उसमें जाके टॉयलेट जमा किया, तो हो गया। चार चीज़ हुआ टोटल, फिंगर हुआ, फिंगर चेक किया, मेरा हाथ वगैरह देखा, उसके बाद ब्लड टेस्ट हुआ, एक्सरे हुआ, टॉयलेट ले लिया, तो हो गया मेडिकल का सारा काम। पेपर्स वगैरह हमको दे दिया सारा कुछ स्टैंपिंग करके, तो ये मेडिकल का रिपोर्ट जो है 7-10 दिन के अंदर ऑनलाइन में मिल जाता, तो वापस रिपोर्ट लेने के लिए आना वगैरह नहीं है, ऑनलाइन में रिपोर्ट आ जाएगा। सो गाइस ये जो मेडिकल है, अगर लड़का हो लड़की हो जो भी हो, कुवैत में जॉब करते हो, फूड हैंडलर मतलब फूड से रिलेटेड कोई भी जॉब करते हो, इवेंट डिलीवरी का काम करते हो, रेस्टोरेंट में काम करते हो, किसी भी फूड टच करते हो, किसी भी काम करते हो, फूड हैंडलर हो, तो ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा एवरी ईयर। जब नए आओगे तब तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, और हर साल एक बार करके आना पड़ता है। ये एक साल का इसका वैलिडिटी रहता है, इसको बोलते हैं यहाँ पे अरेबिक में बलेदिया कार्ड। सो इसको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देने से अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे तो सबसे पहले आपको काम करने ही नहीं देगा, और अगर आप इनलीगली अगर भी ये मेडिकल एग्जामिनेशन दे कर काम कर रहे हो तो अगर आके बलेदिया यहाँ के जो ऑफिसर है अगर आपको पकड़ेंगे तो फाइन मारता है। तो ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, इसी के लिए देखा आप लोगों ने कितना लाइन था, बहुत लोग आए थे एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत सारे डिलीवरी ड्राइवर था, बहुत सारा लोग था जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, मेरे जैसा कोई बुचरी शॉप में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, सबको आना पड़ता है। तो
तो मेरा एग्जामिनेशन हो गया गाइस, अभी हम जाएंगे। एग्जामिनेशन का नाम भी इसलिए यही है, फूड हैंडलर एग्जामिनेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे क्या एग्जामिनेशन होता है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए पर्सनली कमेंट करो, इंस्टाग्राम में आके हमको मैसेज करो, आप लोगों को जवाब देंगे इंशाल्लाह। गाइस इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ऐसे ही वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो। इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपके भाई के चैनल पे आता रहता है और आता रहेगा, मिस्टर रज्जाक ब्लॉग्स। थैंक यू गाइस, बाय बाय ऑल।